बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह की रहमत करम फजल से आप ठीक होंगे। और अल्लाह की रहमत करम फजल से आज का ब्लॉग करते हैं शुरू। तो आज है 11 मुहर्रम अल हराम और मैं सोच रहा था कि मैं न्याज की देख दूँ, तो मैंने सोचा कि चने वाला पुलाव बनाऊँ। तो सामान आ चुका है, ये 12 किलो चावल हैं और इसके बाद घी है 2 किलो, टमाटर है 1/2 किलो, 1 पाव हरी मिर्च है, अदरक लहसुन है और 2 किलो प्याज है, नेशनल का जो है बिरयानी मसाला है। इसके बाद ये नमक है 1/2 किलो और गरम मसाला है। इसके बाद इमली है 1 पाव। तो ये सारा सामान आ चुका है, अब पहले हरा मसाला सारा काट लेंगे, प्याज वगैरह, उसके बाद फिर चावल धोने के लिए लेके जाएंगे। खालू लाल मिर्च थी वो ले आए, ये दली हुई लाल मिर्च है। अजीम मेरे साथ है, तो अजीम और मैं और इसके अलावा साजिद भाई हैं, हम लोग तीनों मिलके ये तो कुक हैं, पकाएंगे ये, और हेल्प के तौर पे अजीम और मैं हूँ। तो जिन चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ेगी, फॉर एग्ज़ाम्पल चावल वगैरह धोने हैं तो हम लोग काम करेंगे, फिर उसके बाद ये सिर्फ़ पकाएंगे और कोई इनका काम नहीं है और करते भी नहीं है। ये तो इनको मैंने दोस्ती यारी में ज़बरदस्ती लगाया हुआ, वरना इनका काम है सिर्फ कुकिंग करना, पका के देना बस। अजीम, बाकी सामान हो गया, लकड़ियाँ रेडी होगी। प्याज कट रहे हैं ना, प्याज की वजह से आँखों में काफ़ी पानी आ गया, अजीम के भी काफ़ी आ गए, और इनको तो पता ही नहीं है, इनका रोज़ का काम है तो इनको पता नहीं कि देखिए अजीम के भी किस तरह आँखों में पानी आ गया। तो खैर ये थोड़ी देर के लिए, फिर इसका इतना इशू नहीं है, ये तो काम करना पड़ता है। इस ऊपर के चावल माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त पकते हैं। अपना साजिद भाई, कितना टाइम लगेगा देख पकन च? तकरीबन 1.5 घंटा। 1.5 घंटा लग जाएगा जी। तो ज़्यादा टाइम वैसे केड़ी देखते लगता है? मिठे चावल आते जी, मतंजन दे। दो घंटे प्याज काट लिए, ये रखे हुए, और इसके बाद अभी टमाटर काट रहे हैं। टमाटर के बाद फिर अदरक और लहसुन, ये तो कूटना नहीं है जी, ये ग्राइंडर मशीन से ग्राइंड करना पड़ेगा। तो ये ग्राइंड करवा लूँ, अजीम ले जाते अंदर जी, ग्राइंड आया थी तो ले। हाँ मशीन है, मशीन ले आ अंदर। साजिद भाई, कितना टाइम हो गया कुकिंग का काम करते हैं?
तकरीबन मैनू हो गए ना कुछ 6 साल का। 6 साल हो गए ना जी। अच्छा, टमाटर तो बड़े महंगे मिले ना। बस 10 मुहर्रम का करके जी हर चीज़ ही बहुत महंगी हो गई है। हर चीज़ जी ना, टमाटर भी बड़े महंगे दिते ने, ते अपना हरी मिर्च लहसुन अदरक भी काफ़ी महंगा दिता है जिन्ना इन्ना दिनों जिस माल है उन्ना अगे पिछे घटी है जी। तो त्यौहार वाले दिन वैसे ही चीज़ा महंगी होंगे चाहे ईद का त्यौहार हो या कोई भी त्यौहार हो। जी जी बिल्कुल। अच्छा, पकवान वाले दियाँ वैसे भी ना छुरियाँ बड़ियाँ तेज़ होंगे ने। हैं हज़ार पैट हो गए सर फिर कम होंगे। लीमू और इसके अलावा अदरक और हरी मिर्च ये तो मैंने ग्राइंड कर ली। अब इसके अलावा जो है लहसुन जो है वो अलग से करना पड़ेगा, तो मैं अभी लहसुन ग्राइंड करूँगा और हरी मिर्च ये वाली जो है ये साबुत देख के अंदर डलेगी। जला लिया तो पतीला भी इसके ऊपर रख दिया हमने और घी है तो घी के अंदर प्याज डाले हुए, ये थोड़े थोड़े ब्राउन हो जाएं, डार्क ब्राउन हो जाएं, फिर उसके बाद बाकी का मसाला डलेगा। तो साजिद भाई इनके ब्राउन होने तक इंतज़ार कर रहे हैं कि ब्राउन हो जाएं, फिर उसके बाद आगे मसाले कौन कौन से डलेंगे और कितनी देर बाद डलेंगे मैं आपको दिखाऊँगा। देग वाला सिस्टम ख़त्म हो गया। हाँ जी, थोड़े पकाने वाले देगों से बनाई तो जो ज्यादा फिर इन पतीले स्क्रीन पक जाते हैं। मिर्च तेज है, नॉर्मल ही होए, ज़्यादा ना होए, इन्नी नॉर्मल भी ना होए, थोड़ी तेज भी चल जाएगी। नमक 12 किलो।
आलू 12 किलो चावल ने। बिरयानी मसाला ये शान नहीं चलता नेशनल। अली हसन भी आ गया हेल्प के तौर पे। दो किलो चने और जो कटा हुआ मसाला था अदरक और हरी मिर्च और इसके अलावा गरम मसाला और बिरयानी मसाला नमक सारी चीज़ें डाल दी। तो अब इसको अच्छी तरह से साजे से भूनेंगे। मसाले के अंदर साजिद भाई पानी डाल लें तो उसको अच्छी तरह से भून लिए। अब इसके बाद ये इमली है एक पाव जो मैं लेके आया था। हाँ खालू तू कम शाम तो कोलो कराया को नहीं अंदर ही बैठा रहा नहीं थोड़ी बाली तो हेल्प करवानी सी सारा काम चौल शौल सिर्फ माड़े चौल फड़ के टप तो आता है अग सही नहीं ज़्यादा तेज तो नहीं है बंदा 20 मिनट लग जाने और अद्धा घंटा। आलू लेके आ रहे हैं चावल और चावल पानी के अंदर डाले हुए थे नरम हो गए होंगे। अजीम आ गया तो अजीम जा रहा है जुम्मा है आज जुम्मे की नमाज़ पढ़ने। तो ये तो वीडियो से बाय बाय कर रहे हैं जा रहे हैं। खालू बड़ा खुश हो गए खालू ने काम को नहीं किया ना। खाना पका रहे हैं चावल डाल दिए और जो पहले का मसाला था वो बिल्कुल तैयार हो गया था। लकड़ियाँ जो हैं वो काफ़ी तेज़ है तो एक दफ़ा बॉयल हो जाए फिर उसके बाद ये लकड़ियाँ सारी निकाल देंगे और जो कोयले बचे हुए होंगे वो इसके ऊपर डालेंगे थोड़े थोड़े करके ताकि एक तो दम पे रखते हैं और दूसरा ऊपर से जो हीट इसको मिलेगी कोयलों से उससे चावल फूल जाते हैं बड़े बड़े हो जाते हैं।
अभी थोड़ी देर और इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये लकड़ियाँ निकाल देंगे सारे बार, और कोयले जो है वो इसके ऊपर रखेंगे और दम पे रख देंगे चावल। दम पे रख देंगे, दम पे रख दिए चावल और ये ऊपर ईंटें रख दी। तो दम पे जब भी रखते हैं चावल तो लकड़ियाँ निकाल देते हैं। तैयार हो गए हैं हमारे, तो खालू ने अभी चेक किए कि मिर्च मसाला कैसा, तो ज़बरदस्त है माशाल्लाह से। माशाल्लाह ज़बरदस्त बने हुए। तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं अपना, और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, अल्लाह हाफिज़।